कोरोना महामारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी की प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है। होम्योपैथिक ने पिल्स बनाकर लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने का पहला कदम उठाया है, तो फिर आयुर्वेदिक कहाँ पीछे रहने वाला है? और भारत तो आयुर्वेदिक खैर, आश्चर्य की बात यहाँ पे यह है कि आयुर्वेदिक में इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा की खोज करने वाले कोई और नहीं धैर्य वल्लभ मुनि हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, धैर्य वल्लभ मुनि ने इसकी खोज की है। हाल ही में सिरप हर्बतन को लॉन्च किया गया। नैतिक नागरा, अंडिया किंग, विधायक मीरा भाईंदर, गीता जैन, धैर्य वल्लभ मुनि, भव्य गांधी तथा जूली जांगन के हाथों सिरप हर्बतन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी, जिसे जल्द ही बाजार में उपलब्ध जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं इससे बनाने के लिए जिन्होंने जो भी मेहनत की है, मैं सभी को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहूँगी। और मेरी दिल से शुभेच्छा है कि जिस मंगल उद्देश्य से उन्होंने ये दवाई बनाई है, क्योंकि इस महामारी के समय में उनका उद्देश्य यही है कि हमारे लोगों को तकलीफ ना हो, हमारा जो मृत्यु का आंक बढ़ते जा रहा है वो कहीं ना कहीं रुक जाए, और हमारे जो पेशेंट्स का भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं रुक जाए। और इससे इम्यूनिटी पावर जो बढ़ने का इन्होंने इसमें प्रयत्न किया है, मैं भगवान से प्रार्थना जरूर करूंगी कि उनके इस प्रयत्न को सफलता मिले, इस दवाई का फ़ायदा हमारे देश से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारा देश बहुत जल्द कोरोना मुक्त हो। मुझे लगता है कि ये जिन्होंने ये प्रोड्यूस किया है वो इसके प्रोडक्शन की प्रोसेस और मार्केट में लाने की प्रोसेस के बारे में बताए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनका ब्रेन चाइल्ड है तो उन्हें ही बताने दीजिए। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि मेरी बहुत दिल से शुभेच्छा है कि उनकी मंगल कामनाएं पूर्ण हो। जिससे पहले तो वड़ाप्रधान जी का जो सेकंड लेक्चर था लॉकडाउन के लिए, उस समय में वड़ाप्रधान जी ने सभी युवा वर्ग को प्रतिबोध किया था, कहा था कि कुछ ऐसा, सब टैलेंटेड है तो कुछ ऐसा निकालिए कि जिससे ये महामारी से हम लोग बच सकें। ये दवाई तभी इच्छा हुई, इच्छा करके मैं, मेरे पास रेफरेंस पड़े थे, मैंने वो रेफरेंस वगैरह निकाले और देखा, ढूंढा तो काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली कि जो ये महामारी से बचा सकती है। ये दवाई के अंदर हम लोग ने जो आयुष, मैंने कहा कि आयुष मंत्रालय को हमने कहा तो उन्होंने जो हमें ऑनलाइन में जो भेजा उसके ऊपर हमने 1500 लोगों ने जो ये अलग अलग रेट से यानी दवाई के लिए जिन्होंने अप्रूवल रखा था वो सबका स्टडी करके उसमें से तद्दन अलग ये दवाई के अंदर आपको विटामिन सी, जिंक और इम्यूनिटी बूस्टर, और साथ में ही आपको ये बुखार, सर्दी, खांसी और जो कोई भी महामारी के लक्षण है वो सबको ये दूर करता है, यानी उससे बचाता है। और ये रिसर्च सेंटर वगैरह में भी गई थी, वहाँ पे भी पास हो गई। और फिर इसका रिस्पांस हमने पहले ऐसे ही ट्राई किया तो काफ़ी हमें 50 लोगों ने जो जिनको दिया था आजू बाजू तो उन्होंने जो इसका सेवन किया उसके बाद उनको पॉजिटिव लगा कि नहीं इससे काफ़ी फ़र्क है, तो फिर इसको और हमने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ते बढ़ते ये दवाई आज यहाँ तक के पहुँची है। एक्चुअली तो ये मैक्सोल कंपनी अहमदाबाद की है, इन्होंने ये पूरी दवाई बनवाई है और साथ में ही हम तो खाली इसका यानी हमने शोध करके उनको दिया। आपने जो प्राइस टैग की जो बात किया ना, तो वो जो प्राइस टैग अभी भी यानी हमने जो कमिंग सुन रखा है, यानी इसके बाद एक भावना है कि और आगे बड़े लेवल पे इसका यानी हो, बट अभी कोई ऐसा प्राइस अभी नक्की नहीं किया है क्योंकि इसमें हमें सेवा भाव से करना है, ना कि कोई आशय से। और साथ में ये दवाई के लिए जो कुछ भी काफ़ी लोग का यानी योगदान रहा, विठल भाई है, फिर हमारे महावीर भाई जो पीए गुजरात चेयरमैन के पीए, साथ में ही जीवर भाई, ये सबका योगदान रहा और उसके कारण ये दवाई यहाँ तक के पहुँची है। और यानी अभी हम लोग ने छोटे पाये पे चालू किया है और भावना है कि ये जो मैक्सोल कंपनी है इनका काफ़ी बड़ा वर्ग है तो उन लोग इसको आगे आगे बढ़ाएंगे। अभी गुजरात के अंदर तो उन लोग का कमिंग सून, यानी हमारा जैसे ही प्रोडक्शन ज़्यादा बनना शुरू होता है तो उन लोग इसको ज़्यादा विस्तार करेंगे। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, टोटली ये प्योर रिच से बनाया हुआ है, हर कोई इसका सेवन कर सकता है। इसका खाली जो यानी डॉक्टर के हिसाब से जो सलाह वगैरह लिया है, तो बड़े लोग रहते हैं तो वो एक चम्मच पानी के साथ
अपन ले सकते हैं, बाकी जो छोटे बच्चे वगैरह रहते हैं तो आधा चम्मच यानी दे सकते हैं। आयुर्वेद, जैसे इन्होंने कहा कि आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट्स है क्या, लेकिन आयुर्वेद की वही खास बात है कि आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट्स होते ही नहीं है। डेफिनेटली उसमें उसको मात्रा से लिया जाता है कि जिसे जितना लेना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, वो सिर्फ इतना फ़र्क होता है। तो हम बहुत नसीबदार हैं कि हमारे देश में ऐसी दवाई बन रही है, हमारे देश में ऐसी वनस्पतियाँ मिल रही हैं, और हमारे देश में ऐसे गुरु महाराज हैं, जूलीबेन जैसे ऐसे सेवक हैं जो ऐसी दवाई बनाने के लिए तैयार है, सक्षम है। तो मैं सच में इन सबको धन्यवाद देता हूँ, और ये दवाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वैसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ये एक ऐसी दवाई है जो आमतौर पे अपने को पता भी ना चले कि हमने इसका सेवन किया है, और इम्यूनिटी इतनी बूस्ट करके रखती है। बिकॉज़ ये इसमें जो तंत्र है वो हमारे इंडिया के, भारत के प्राचीन ग्रंथों से निकाली हुई जड़ी बूटियां हैं और उसमें से ही बनाई हुई दवाई है। तो इसका सेवन करने से कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं, और ये बहुत ही अच्छा नेक काम हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें और ये चीज़ को हर एक इंसान तक पहुँचाएँ भारत के, तो ये महामारी से हम जल्दी दूर हो सकें। इसमें कोई एज बार रखा आपने कि इस उम्र से लेके उस उम्र तक ले सकते हैं, तो रखा आपने एज बार ऐसा कुछ नहीं है। हर एक उम्र का ले सकते हैं, सिर्फ उसकी प्रोपोर्शन या क्वांटिटी डिसाइड करके लेनी है।